हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि दो सदिशों को जब हम जोड़ते हैं तो उसका गणितीय सूत्र क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब दो वेक्टर को हम जोड़ते हैं त्रिभुज नियम से या समांतर चतुर्भुज नियम से तो हमें एक परिणामी सदिश का तीर प्राप्त होता है और तीर की लंबाई सदिश का परिमाण बताता है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि जिन दो तीरों को जोड़ने पर तीसरा तीर मिलता है, जिसको हमने R से दिखाया था, उसकी लंबाई ज्ञात कर लें, क्योंकि उसकी जो लंबाई होगी वही परिणामी सदिश R का परिमाण होगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं गणितीय विधि की। यहाँ पे दो सदिश A तथा सदिश B दिया गया है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, दो वेक्टर है जिनका सदिश योग करने पर परिणामी सदिश R प्राप्त होता है। जब हम दो तीर को जोड़ते हैं तो एक तीर प्राप्त होता है, दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो एक वेक्टर मिलता है और उसे हम क्या नाम देते हैं, R, रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश। तो ये R है। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि A और B दोनों वेक्टर को जोड़ा जा रहा है तो क्या मिल रहा है, वेक्टर R। ओके, अब माना कि सदिश A का परिमाण A तथा सदिश B का परिमाण B है, इस बात को समझिए। सदिश A का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सदिश A और सदिश B दोनों बल है और अपनी सुविधा के लिए A के परिमाण को 10 न्यूटन मान लेते हैं और B के परिमाण को 20 न्यूटन मान लेते हैं। तो A का परिमाण अगर मैंने लिखा कि माना कि सदिश A का परिमाण A है, इसका मतलब कि जो सदिश A का परिमाण 10 न्यूटन है वो 10 न्यूटन A का वैल्यू है। अब इसमें दिशा है तो दिशा की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं। तथा तो सदिश B का परिमाण क्या है, B, तो हमने क्या बोला था, मान लेते हैं 20 न्यूटन, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। साथ ही सदिश A तथा सदिश B के बीच का कोण थीटा है, ठीक है, इन दोनों सदिश के बीच का कोण क्या है, थीटा। वो कुछ वैल्यू हो सकता है आपका, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 32 डिग्री हो सकता है, कोई भी एक एंगल हो सकता है दोनों वेक्टर के बीच का। ओके, तो यहाँ पे A क्या है, B क्या है और थीटा क्या है, इन तीनों से आप अच्छे से परिचित हो जाइए। A सदिश A का परिमाण है, B सदिश B का परिमाण है और थीटा सदिश A और सदिश B के बीच का कोण है। ओके, यदि मैंने बोला कि A सदिश A का परिमाण है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं आपसे पूछूं कि ये जो सदिश A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीर सदिश A को दर्शा रहा है, इसके तीर की लंबाई कितना बता रहा है। याद रखिए, तीर की लंबाई सदिश का परिमाण बताता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बोला सदिश A का परिमाण A है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वह क्या रिप्रेजेंट करता है, A, इस परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। सदिश B का परिमाण यदि मैंने B माना है तो इस तीर की जो लंबाई है वो इस परिमाण को रिप्रेजेंट करता है, इसकी लंबाई ये है। आई बात समझ। ओके, अब इन्हें दो तरीके से हमने जोड़ना सीखा था पिछले वाले वीडियो में, एक त्रिभुज नियम था और एक समांतर चतुर्भुज नियम था। त्रिभुज नियम में क्या करते थे, मैं थोड़ा सा आपको रिविजन करा दू। जो पहला सदिश है उसको जैसे था वैसे रखते थे, मैंने यहाँ पे रखा है, देखिए वेक्टर A जैसे है वैसे रखा। दूसरा नियम, दूसरी बात क्या थी कि पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल रखना है और इसके भी लंबाई में तीर में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, ना दिशा बदलनी चाहिए ना परिमाण बदलना चाहिए। तो इसको उठा के हम यहाँ रखते हैं, यानी ये वाला काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो सदिश A के हेड पे सदिश B का टेल रख दिया, ऐसा डायग्राम बना। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि सदिश A के टेल को, यानी पहला वाला जो सदिश है उसके टेल को दूसरा वाला जो सदिश है उसके हेड से मिलाना, यहाँ पे इससे मिलाना, और तीर की दिशा किधर देनी है, जो नया वाला तीर मिलेगा A से B की ओर, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड की ओर। तो हमने एरो ऐसे दे दिया और इस तीर को हम क्या कहते हैं, परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके ठीक, हम समांतर चतुर्भुज नियम में थोड़ा सा इसे डिफरेंट काम करते हैं कि पहला सदिश A है जैसे है वैसे रखते हैं, दूसरे सदिश का जो टेल है
वो अब पहले सदिश के हेड पर नहीं रखते, टेल पर रखते हैं, क्योंकि यह टेल टू टेल मेथड है। एक के पूंछ पे दूसरे का पूंछ रखना, एक के टेल पे दूसरे का टेल। यहाँ क्या था, हेड टू टेल मेथड, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखना। तो यहाँ पे एक के टेल पे दूसरे का टेल रखा। इसमें दूसरी बात क्या थी कि एक के समानांतर एक खींचा उतने ही लंबाई का उसी दिशा में, और बी के समानांतर बी खींचा उतने ही लंबाई का उसी दिशा में, और दोनों का जहां टेल है और दोनों का जहां हेड है उसको मिलाया, ठीक है, और इसकी दिशा किधर, दोनों के टेल से दोनों के हेड की ओर, परिणामी सदिश ये वाला तीर हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। और मैंने अंत अंत तक यह बात बताई थी कि दोनों सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। तो यहां तो स्पष्ट हमको दिख जाता है कि सदिश ए इधर है और सदिश बी इधर है, तो दोनों के बीच का कोण ये थीटा है। लेकिन यहां पे सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिए मैंने क्या बोला था, जो पहला वाला सदिश है उसके हेड को आगे सीधे बढ़ा देंगे, जिस डायरेक्शन में सदिश ए है उस डायरेक्शन में बढ़ा देंगे, और वहां से प्रारंभ करके सदिश बी तक चले जाएंगे, दूसरे वाले सदिश तक, ठीक है। इसके लिए मैं एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये जो है मान लीजिए वेक्टर बी है, और ए के हेड पर बी का टेल है, और परिणामी सदिश ये वाला मिला, आई बात समझ में, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रहे। तो हमसे पूछा गया ए और बी के बीच का कोण तो कैसे बताएंगे, तो ए के हेड को उसी दिशा में आगे बढ़ा देंगे, ये मत देखिए कि वो सीधा हो रहा है या टेढ़ा हो रहा है, जिस दिशा में सदिश ए है प्रथम सदिश उसके हेड को बढ़ा दीजिए, ओके, और वहां से कहां तक चले आइए बी तक, ये क्या हो जाएगा, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण, आई बात समझ, ये ध्यान रखना, ओके। अब देखिए दो सदिशों को ज्यामितीय विधि से, वो चाहे त्रिभुज नियम के द्वारा हो या समांतर चतुर्भुज नियम के द्वारा हो, अर्थात हेड टू टेल मेथड हो या टेल टू टेल मेथड हो, इसे हम समझ चुके हैं, और दो वेक्टर को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यूबी कॉस थीटा, इसके लिए थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, ऊंचाई हम दूरी जो अपने 10वीं क्लास में पढ़ी है, उसमें क्या था उसकी जरा जिक्र कर लीजिए। ये जो है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो कोण Q है वह 90 डिग्री है, और जो R है वो क्या है थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं लंब, और इसको क्या कहते हैं जिसमें 90 थीटा उसे क्या कहते हैं आधार, और जो 90 के सामने होता है उसे कर्व। ये बात आपको मालूम होगा, बढ़िया। तो एक रिलेशन तो आपको याद रहना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ओके। दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं कि यहां पे ये जो कर्ण की लंबाई है यह 10 मीटर है और थीटा जो है 30 डिग्री है, बात समझिए जरा, मैं अगर बोलूं कि कर्ण की लंबाई 10 मीटर है और थीटा यहां वाला जो 30 डिग्री है, तो क्या आप आधार की लंबाई और लंब की लंबाई बता सकते हैं मुझे, आंसर है हाँ। कैसे, तो जो 10वीं क्लास में ऊंचाई और एवं दूरी के संबंध आपने अध्ययन किया था जिसमें त्रिकोणमिति के हेल्प से आप निकालते थे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट था जरा समझिए कि जो दिया गया है वो कर्ण है, और मान लीजिए कि आपको लंब निकालना है, तो कर्ण और लंब के बीच में संबंध कौन बताता है, तो यदि कर्ण की लंबाई 10 मीटर दी गई है और लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है, तो साइन थीटा है और कॉसेक थीटा है, तो साइन या कॉसेक में से किसी का यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा के जगह पर क्या लिखते हैं 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू पता है हमको, लंब कितना हमको निकालना है और कर्ण कितना है 10 मीटर, साइन 30 का वैल्यू हमें याद रहता है और वो होता है 1/2
और यहाँ पे हो गया लंब बटा 10 मीटर। इसको इधर ले जाइए और सॉल्व कीजिए तो कितना रहेगा, लंब की लंबाई 5 मीटर। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण पता हो न्यून कोण 90 के अलावा कोई एक थीटा पता हो और दूसरा कर्ण या लंब या आधार तीनों में से कोई एक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात हो तो शेष दो भुजा की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं किस प्रकार से, हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगा कर। ओके, और दूसरा जो पाइथागोरस प्रमेय हमको ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये होता है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वेक्टर एडिशन में आपको आवश्यकता पड़ेगी जो आगे चल के हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो है सदिश ए है, वेक्टर ए है और इसमें वेक्टर बी को हमें ऐड करना है जो इस प्रकार से है। ये जो है वेक्टर बी है, सदिश बी है। तो चलिए त्रिभुज नियम हम जानते हैं, जो पहला सदिश है जिस प्रकार से है उसे वैसे ही रखना पड़ेगा, ना उसकी लंबाई में परिवर्तन और ना ही उसके दिशा में परिवर्तन, ना उसकी लंबाई में परिवर्तन ना उसके दिशा में परिवर्तन। इसको आप यहां बनाइए, यहां यहां कहीं भी बनाइए, लेकिन लंबाई उतनी ही रहनी चाहिए और दिशा उधर ही होनी चाहिए। तो ये सदिश हो गया। ए के हेड पर बी का टेल रखिए, हेड टू टेल मेथड, ट्रायंगल लॉ। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये सदिश ए है और ये जो है सदिश बी है, ठीक है। ये सदिश ए, सदिश बी, ए के हेड पर बी का टेल। अब इसको यदि हम मिला दें तो इसे हम क्या कहेंगे, परिणामी सदिश आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब मैं आपसे पूछूं कि इस तीर की लंबाई बताइए, तो आप कहेंगे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने शुरू में ही बोला था कि माना कि सदिश ए का परिमाण ए और तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताता है। इसका मतलब क्या है कि जो तीर की लंबाई है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ई को। ए क्या है, इसका परिमाण अर्थात इसकी लंबाई क्या है, ए। आई बात समझ में? ओके, मैं पूछूं इस तीर की लंबाई इसका परिमाण कितना, तो सदिश बी का परिमाण कितना था, बी, यानी उसका जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी लंबाई को। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिखा सकते, लेकिन इस लंबाई का जो परिमाण है उसको हम लोग यहाँ पे बी लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब करते क्या है, सदिश ए और सदिश बी के बीच का हमें कोण, तो कैसे निकालते हैं। तो पहला वाला सदिश ए है उसके हेड को बढ़ाइए और यहां से कहां तक जाइए, सदिश बी तक। ये क्या होगा, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण। ओके, अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करना है, क्या यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, यहां पे एक 90 का कोण बनाना है, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही इस बिंदु से एक लंब डालिएगा इसको बढ़ा करके, तो इसका कुछ नाम दे दीजिए। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं P, यहां पे Q और यहां पे R। नहीं, आर नहीं देते क्योंकि परिणामी सदिश हम आर को दिखा रहे हैं, इसलिए पी क्यू यहाँ पे हम लोग एस यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां से यहां तक ये लंबाई कितनी है, जैसे मैं पूछूं कि यहां से यहां तक ये जो लंबाई है इस, ये तो सदिश का लंबाई है और परिमाण बताएगा और वो कितना है ए, इस लंबाई को रिप्रेजेंट ए कर देगा, इस लंबाई को रिप्रेजेंट बी कर देगा, लेकिन इस लंबाई के बारे में क्या, अगर हमें निकालना हो कि ये कितना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसको जो है हम इसके सहायता से निकालेंगे, अभी मैं बात कर रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, ये 90 के सामने जो बी है जो तीर की लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर्ण के जगह पे है, 90 के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण की लंबाई कितनी है, बी, क्योंकि वह सदिश बी है, ये जो कर्ण है सदिश बी है
और तीर की जो लंबाई होती है वो परिमाण बताता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो तीर की लंबाई है वो परिमाण बताता है, और परिमाण जो आप माने वही उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो बी इसकी लंबाई कितनी है, तो बी। अब इसके लंबाई की सहायता से हम ये निकालेंगे, तो हमें समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण मालूम है थीटा, और इसकी लंबाई कितनी है बी, और हमें क्या चाहिए इसकी लंबाई यहां से यहां तक, और इसकी लंबाई एस क्यू, और ये वाला इसका कुछ नाम हम कर लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट डी कर लेते हैं। तो हमें दो चीज चाहिए, एक डी क्यू की लंबाई नहीं मालूम है और एक एस क्यू की लंबाई नहीं मालूम है, इन दोनों की लंबाई हमें चाहिए। आई बस समझ में, क्यों चाहिए आगे समझना है, लेकिन इन दोनों की लंबाई निकालनी है। तो कॉन्सेप्ट क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। कैसे, तो समकोण त्रिभुज कौन सा, डी क्यू एस में, डी क्यू एस में देखिए मैं लेने वाला हूं साइन थीटा, तो क्या होता है लंब बटा कर्व, तो थीटा के सामने लंब कौन सा हो जाएगा एस क्यू, और 90 के सामने कर्व कौन सा हो जाएगा डी एस। तो साइन थीटा एस क्यू की लंबाई हमें निकालनी है, बट डी एस की जो लंबाई है वो बी हम रख सकते हैं, क्योंकि वह सदिश बी का परिमाण है और बी हम रख सकते हैं इधर ये भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, तो कितना हो जाएगा बी साइन थीटा बराबर एस क्यू, इसको मान लीजिए समीकरण एक। ओके, पुनः इसी समकोण त्रिभुज में डी क्यू एस में कॉस थीटा लेते हैं। अब कॉस क्यों, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो हमें निकालना जो है डी क्यू वो आधार है, तो आधार बटा कर्ण। तो जरा देखिए कॉस थीटा बराबर आधार हो जाएगा डी क्यू और कर्ण हो जाएगा डी एस, तो कॉस थीटा डी क्यू हमें निकालने हैं और डी एस कर्ण है, इसकी लंबाई कितनी है बी है, उसका परिमाण सदिश b का, तो यहाँ पे आ जाएगा b cos थीटा गुना में, तो क्या हो गया dq, ये हो गया समीकरण दो। इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछूं कि dq की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे b cos थीटा। मैं पूछूं sq की लंबाई कितनी है, तो क्या बोलेंगे b sin थीटा। तो sq यहां है, sq की लंबाई ये है b sin थीटा, और dq की लंबाई क्या है b cos थीटा। आई बात समझ में, ओके। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो लंबाई है ये क्या हो गया b cos थीटा, और ये जो लंबाई है वो यहां से यहां तक है b sin थीटा। कोई दिक्कत, यहां से यहां तक ये b sin थीटा, यहां से यहां तक b cos थीटा। ओके, अब समकोण त्रिभुज PQS में, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ये वाला कोण 90 है, तो ये भी समकोण त्रिभुज है, और बड़ा वाला ये भी समकोण त्रिभुज है PQS, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब समकोण त्रिभुज PQS में पाइथागोरस प्रमेय से इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस बाई द पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर। ओके, तो यहां पे हम क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसी को अक्सर हम ऐसे दिखाते हैं कि एच का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल लिया है पी क्यू एस लिया है, तो इसमें कर्ण कौन सा हुआ, तो 90 के सामने ये वाला पी से लेकर के एस तक ये जो है ये क्या है कर्ण है। तो हम लिखेंगे पी एस का स्क्वायर, बेस कौन होगा पी से लेकर क्यू तक, तो क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर कौन होगा, तो ये हो जाएगा क्यू से लेकर के एस तक,
तो क्या हो जाएगा क्यू एस का स्क्वायर, क्यू एस बोलिए एस क्यू बोलिए दोनों चलेगा, कोई दिक्कत? ओके, अब यहां पे अगर देखा जाए तो पी एस क्या है, जरा ध्यान दीजिए, पी एस क्या है? जब हमने सदिश ए को और सदिश बी को हेड टू टेल मेथड से जोड़ा है त्रिभुज नियम से, तो हमें एक नया तीर प्राप्त हुआ सदिश आर, और पी एस जो है सदिश आर की लंबाई है, और तीर की लंबाई सदिश का परिमाण बताता है। तो बताइए कि यह जो पी एस है वो लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, और लंबाई सदिश का परिमाण होता है। तो ये सदिश आर है उसके परिमाण को हमने शुरू में क्या बोला था कि ए और बी को जोड़ने पे आर मिल रहा है, तो उसका जो परिमाण होगा उसको आर मान ले, तो इसको आर से दिखा सकते हैं। जो पी एस है वो क्या बता रहा है, लंबाई, लंबाई क्या है सदिश का परिमाण, ये कौन सा सदिश है आर है, तो सदिश आर का परिमाण क्या दिखा देंगे आर, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू, क्या है पी से लेकर के क्यू तक लंबाई है, तो यहां से यहां तक जो लंबाई है वो सदिश ए का है, तो इसका परिमाण कितना है ए, तो ए का स्क्वायर, एक मिनट, पी क्यू तो यहां से यहां तक है तो यहां से यहां तक ए है, प्लस ये लंबाई कितना है तो बी कॉस थीटा, तो ए और बी कॉस थीटा ये दोनों जोड़ करके स्क्वायर करना होगा क्योंकि है तो पी क्यू का स्क्वायर, तो क्या करेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसका पूरा का पूरा स्क्वायर ऐसे करना होगा, आ रही बात समझ में? ओके, प्लस प्लस क्यू एस का स्क्वायर, क्यू एस का स्क्वायर में क्या कीजिएगा बताइए, क्यू से एस तक, तो यहां से यहां तक जो लंबाई है वो कितना है बी साइन थीटा, हमको तो लंबाई से मतलब है ना, तो जो क्यू एस है उसके जगह पे कर दीजिए क्या बी साइन थीटा, और इसका क्या स्क्वायर, यहाँ पे जगह नहीं था मैंने प्लस करके नीचे कर दिया, आप यहीं पे लिखेंगे ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत आपको? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं क्या आता है, देखिए आर स्क्वायर बराबर ये जो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है, इस कैसे देखिए, इसको मानिए छोटा वाला ए और इसको मानिए छोटा वाला बी, तो ऐसा दिखेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में दिखेगा, तो क्या उसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तोड़ सकते हैं तो तोड़िए, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर बी साइन थीटा का, सॉरी बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए के जगह पर ए और बी के जगह पर बी कॉस थीटा हुआ, तो अभी जो है हमने किसको तोड़ा इसको प्लस क्या उसमें ऐड करना है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो उसको जब तोड़िएगा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो जरा आप सॉल्व किया जाए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस इसको होल स्क्वायर करके तोड़िए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है इन दोनों को एक साथ करिए तो क्या होगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यहाँ पे है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ वाला जो टर्म था मैंने यहाँ ला दिया, फिर प्लस ये वाला बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा प्लस में प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इन दोनों को एक साथ करने का मतलब ये था कि बी स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल लिया जाए, सेम चीज है, तो क्या होगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और इन दोनों में से यदि बी स्क्वायर यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा और यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस बचा क्या था टू ए बी कॉस थीटा। ओके आगे आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप टेंथ में भी पढ़ चुके थे कि कितना होता है वन,
है कि नहीं। तो अगर ये 1 हो जाएगा और 1 से बी स्क्वायर में गुणा करिएगा तो ये बी स्क्वायर ही रहेगा प्लस क्या हो गया 2ab cos थीटा। अब ये r का जो स्क्वायर है इसको इधर भेज दीजिएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ऐसा होगा। यही है आपका मैथमेटिकल फॉर्म गणितीय रूप। जब दो सदिशों को हम जोड़ेंगे तो तीसरा सदिश हमें r मिलता है तो तीर तो हम ज्ञात कर सकते हैं हेड टू टेल मेथड से या टेल टू टेल मेथड से। डायरेक्शन भी वो आपका सही सही बता देगा यदि लेंथ आपका सही सही है तो। उसके बाद यदि आप निकालना चाहते हैं कि परिमाण कितना है मैग्नीट्यूड तो वो आपको इस फॉर्मूला से निकालना होगा। यहाँ पर a क्या है सदिश a का परिमाण, b क्या है सदिश b का परिमाण, थीटा क्या है तो सदिश a और सदिश b के बीच का कोण, और r क्या है, r है कि जब आप दो चीजों को जोड़ते हैं जैसे 2 और 5 को जोड़े तो 7, ठीक तो 7 क्या है वो r है, वही रिजल्ट है, वही रिजल्टेंट है। तो जब दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे तो जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा परिणामी सदिश वो आपका r है जिसको हम परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ओके तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है। अब कुछ कुछ मन में जो सवाल है उसका आंसर करिए कि मैंने b cos थीटा और b sin थीटा हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करके क्यों निकाला था। इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे r चाहिए थे, ये वाला r चाहिए थे, और इसकी लंबाई निकालने के लिए परिणामी सदिश की जो लंबाई है उसको निकालने के लिए हमें ये पूरा लंबाई चाहिए था। तो हमको यहां से यहां तक पता था क्योंकि सदिश a है तो इसका परिमाण a है तो लंबाई हमको मिल गया, लेकिन ये नहीं पता है तो इसकी जो लंबाई है वो सदिश b के रूप में हमने निकाल लिया, फिर इसका जो लंबाई था वो हमने सदिश b के रूप में निकाल लिया, और तब जाके पाइथागोरस प्रमेय हमने बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में लगाया तो हमें बड़े वाले तीर r की लंबाई निकली। हमने पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाला है, पाइथागोरस प्रमेय क्या रिजल्टेंट देता है, नहीं, पाइथागोरस प्रमेय तो कर्ण का या आधार का या लंबाई लंब का लंबाई निकालने का फॉर्मूला है। तो हमने जो भी फॉर्मूला पाइथागोरस लगाया उससे पीएस की लंबाई निकाली है, लेकिन पीएस की लंबाई निकालने से सदिश आर का परिमाण कैसे मिल गया। तो हमको पता है कि तीर से जब हम सदिश को दिखाते हैं तो उसकी लंबाई सदिश के परिमाण को बताता है, यदि हम सदिश आर की अर्थात पीएस की लंबाई ही निकाल लें तो परिमाण मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया, आई बात समझ में। ओके तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए और एक दो और प्रैक्टिस कीजिए और इसे आप खुद से प्रूफ करने का प्रयास कीजिए, और इस पे बेसिस जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व कीजिए जितना। वैसे अगले क्लास में अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको लेकर के आऊँगा, कुछ क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप घर पे इस पे सॉल्व कर सके, बना सके, प्रैक्टिस कर सके, और कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हमको सीखने पड़ेंगे जो तुरंत हमको दो वैक्टर का एडिशन करने में सुविधा हो जाए, सब्ट्रैक्शन करने में सुविधा हो जाए। तो अभी तो हमने एडिशन पर है तो एडिशन का शॉर्टकट देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का, फिर हम लोग प्रोडक्ट पे आएंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये वीडियो समाप्त होगा। हाँ एक खास बात और है कि आप पूछ सकते हो कि सर दो वैक्टर को आप जोड़ रहे हो, क्या सर 3 वैक्टर को भी जोड़ सकता हूँ। सर हाँ 3 वैक्टर 4 वैक्टर 5 वैक्टर 10 वैक्टर ठीक है, वो एक नियम है बहुभुज नियम जिसके अंतर्गत हम उसको जोड़ते हैं। खैर जब मैं आपसे बोलूँ बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, मैं बोलूँ 2 + 4 + 5 + 9 इन सबको जोड़ना है तो क्या आप नहीं जोड़ देंगे क्या। अभी मैंने क्या बताया 2 + 4 तो तुरंत आप बोल देंगे 6, तो मैंने 2 चीज़ दिया फटाक से जोड़ देना, लेकिन अगर 3 दे दिया जाए 4 दे तो क्यों नहीं जुटेगा। हम क्या करेंगे, तरीका क्या होगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, जब इनका जो ये रिजल्टेंट 6 आ जाएगा तब इसमें तीसरा जोड़ देंगे तो 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, इसमें फिर क्या जोड़ देंगे 9, तो फिर क्या हो जाएगा 20। ये जो मैंने बताया ये जो कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 2 को जोड़ेंगे, उनको जोड़ने के बाद जो परिणामी सदिश मिलेगा उसमें तीसरा जोड़ देंगे, फिर उसका जो परिणामी आएगा फिर उसमें अगला वाला सदिश जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ते जोड़ते हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा पूरे सदिश का, वो 3 हो 4 हो 10 हो 50 हो जितना भी हो, आई बात समझ में, और उसे बहुभुज नियम के नाम से जानते हैं। तो इससे आगे की बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चूँकि बार बार मुझे लिंक फेसबुक या व्हाट्सएप से भेजना पड़ रहा है, इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। थैंक यू।